लगता है बजट का। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और कैपिटल डेवलपमेंट मिला के तकरीबन 30% बनता है, लेकिन मैं इस 70% को एक्सप्लेन करूंगा कि ये 70% नहीं है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, उससे बहुत कम है और वो मैं रीजंस आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। हमें जो रिसीट्स मिलनी है वो 1.679 ट्रिलियन की है टोटल, जिसमें फेडरल रिसीट्स 1.055 ट्रिलियन है, 1,55,00,000,000,000 रुपए। प्रोविंशियल रिसीट्स जो है वो 374.5 बिलियन की हमने पिच की है। करंट कैपिटल रिसीट ने रेवेन्यू से नहीं होंगे, एक डेफिसिट में हम जाएंगे, वो तकरीबन 33,00,000,000 रुपए जो कि हमारी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी स्टेट बैंक की है, उससे काफी कम है, स्पेस और भी हमारे पास मौजूद है। तो एक प्लान्ड बजट है, हमने सारे मौके दिए हैं और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट्स, हमारे लोग जो हैं वो इस पे जो है प्रॉपर काम कर सके। मैंने टैक्सेस के बारे में आपको बताया, सोशल प्रोटेक्शन के अंदर, अच्छा उससे पहले मैं बताऊं, मैं जो आपको बता रहा था ना, ये जो नॉन डेवलपमेंट मैंने कहा 70% है, लेकिन इसमें काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक्चुअली डेवलपमेंट साइड के होते हैं, उनको नॉन डेवलपमेंट की तरफ पुक किया जाता है वो टेक्निकल रीजंस की वजह से। फॉर एग्जांपल, हमारे पास देखने में तो बड़ा, बहुत बड़ा नंबर लगता है, इधर मेरे पास होगा कहीं 256,00,000,000 रुपए जो नॉन डेवलपमेंट साइट में, वो ग्रांट्स के अंदर आते हैं। वो समझते हैं हम ग्रांट्स बांटते फिर रहे हैं, कुछ हो रहा है, लेकिन इन ग्रांट्स में तकरीबन 85,00,000,000 रुपए की, थोड़ा कम है उससे, 85,00,000,000 रुपए की ग्रांट जाती है लोकल गवर्नमेंट्स को, जिससे ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सारा चलता है। उसके अलावा जो मेजर ग्रांट्स हैं हमारी अस्पतालों में, हेल्थ फैसिलिटीज को, बोथ इन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, तकरीबन 75,00,000,000 रुपए की ग्रांट्स हैं, 74.8 बिलियन। एजुकेशन सेक्टर में 30,00,000,000 रुपए की ग्रांट्स हैं, फ्रॉम यूनिवर्सिटीज को देते हैं ग्रांट्स और ये सब। तो ये चीजें भी नॉन डेवलपमेंट वैसे तो उसमें बुक होती है। सोशल सेक्टर में तकरीबन हम 18,00,000,000 रुपए की ग्रांट्स देते हैं और उसकी मैं डिटेल थोड़ी और बताऊंगा। तो ये आपने देखना है कि जो टोटल हमारा है। अब फॉर एग्जांपल, आपने अभी, हमने पीपल्स बस सर्विस शुरू की है तकरीबन 8,00,000,000 रुपए की, 6.4 बिलियन इस साल किए हैं, बाकी हम अगले साल रख रहे हैं। ये भी नॉन डेवलपमेंट में बुक हो रहा है, इसलिए कि वो हमारी एक ट्रांजेक्शन इस तरीके से, लेकिन इसमें आ रहा है, एसेट है, एसेट बिल्ड हो रहा है हमारा। तो अगर हम इन सारी चीजों को देखेंगे तो हमारी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, वो मैं कोशिश करूंगा कि एग्जैक्ट नंबर्स के साथ भी मैंने कहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि पेश करें, वो 60% से ज्यादा नहीं है। 70% जो नजर आ रही है वो 60% से ज्यादा नहीं है। सोशल सेक्टर के अंदर जो हमारी मेजर स्कीम्स है, मैं ADP पे उसके बाद जाऊंगा और थोड़ा फेडरल गवर्नमेंट जो पिछली रही है हमारे साथ उसके बारे में भी आपको जल्दी से बताऊंगा। हमने सोशल प्रोटेक्शन यूनिट हुआ करता था, उसको फुल फ्लेज डिपार्टमेंट बना दिया है और इस फुल फ्लेज डिपार्टमेंट में हम सोशल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जिसका नाम दिया है, इस साल 15,00,000,000 रुपए सोशल रिलीफ के लिए रख रहे हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं जिसके अंदर एग्रीकल्चर में सब्सिडी है, हम कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स करेंगे, हम जो ख्वातीन हैं उसका एक डेटाबेस बना रहे हैं और ऑलरेडी ऑन गोइंग है, अगले साल इसके पैसे रखे हमने कि हम रजिस्ट्री एक बनाएं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें लोगों को। हमारे साथ मसला ये होता है कहीं पर भी कोई, अल्लाह ना करे कोई कुदरती आफत आती है, सैलाब आता है, हमारे यहाँ ज्यादा सैलाब के इश्यूज हैं, हमें पता चल जाता है कि फलानी दे अफेक्ट हुई है, लेकिन उसमें हम ढूंढे कैसे मुस्तहकीन कौन है। फिर एक सिस्टम बनता है, वो तपेदार जाता है, वो लिस्टें बनाता है और वो फॉल्टी हो सकती हैं। हमने एक रजिस्ट्री बना रहे हैं जिसके तहत
वो काम हो गया हुआ है काफी हद तक। हम एक कंप्यूटर से बटन दबा के हमें लिस्ट आ जाती है सारी के कौन कौन बिलो सर्टन पॉवर्टी लाइन है, ताकि हम उनको डायरेक्टली जल्दी रिलीफ पहुंचा सके। नहीं तो हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करने में इतना टाइम लग जाता है कि उन लोगों की जो है खत्म हो जाती है जरूरियात, या और मुश्किल में आ जाते हैं। हम लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर पोर हाउस होल्ड्स के लिए 500 मिलियन की एलोकेशन रखी है। उसके अलावा हमने बेनजीर वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स प्रोग्राम है लेबर डिपार्टमेंट के, 500 मिलियन की उसके अंदर एलोकेशन है। हम पहले भी करते थे स्कॉलरशिप्स जो हैं 1200 मिलियन की, हम अगले साल कंटिन्यू करेंगे। जो बोर्ड्स के लिए ताकि फीस माफ हो जाए 2 अरब रुपए उसके लिए रखे हुए हैं हमने। हम जो वालदेन हैं उन बच्चों के जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के थ्रू 250 मिलियन की ग्रांट उधर रखी हुई है कि उन पेरेंट्स को रिस्पाइट दी जाए, ताकि वो लोगों को हायर कर सके अपने, जब वो काम पे जाएं तो अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, हमने 500 मिलियन रुपए रखे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर एजुकेशन में बनाने के लिए। हम 100 मिलियन रखे हैं कि नए इंक्यूबेटर्स बनाए जिन लोगों को फंडिंग की जरूरत है, किसी को 2 मिलियन, किसी को 3 मिलियन थोड़े से फंड जरूरत है कि वो अपना सेटअप बना सके और वो फिर इंशाल्लाह ताला प्रोडक्टिवली उसको इस्तेमाल करके आईटी सेक्टर में जाए और पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट्स कमाए। हम उसके लिए पैसे रखे हैं। डिजिटल स्किल ट्रेनिंग, हम स्पेशलाइज प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं। मैंने कुछ दिनों पहले एक इवेंट किया था और हमने कहा था कि हम 3 महीने के अंदर 5 ईयर आईटी पॉलिसी बनाएंगे, और इसके अंदर ये बूट कैंप जिसमें हम ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी स्पेशल ट्रेनिंग्स बच्चों को देंगे, और फिर ताकि वो खुद ही अपना घर में बैठ के भी इस मुल्क के लिए हासिल कर सके अपना कमाई कर सके और डॉलर्स अर्न कर सके, ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो। जो मेजर डिपार्टमेंट्स हमारे हैं मैं उसके बारे में बता देता हूँ। स्कूल एजुकेशन के लिए बजट में 236 अरब रुपए रखे गए, हेल्थ के लिए 206 अरब रखे गए, होम डिपार्टमेंट लॉ एंड ऑर्डर 124 अरब रुपए, लोकल गवर्नमेंट 100 अरब रुपए, इसमें लोकल गवर्नमेंट में 100 अरब में से 85 अरब हैं जो जाते हैं लोकल काउंसिल्स को। सोशल प्रोटेक्शन के लिए मैंने जैसे आपको बताया 15 अरब रुपए, एनर्जी डिपार्टमेंट के लिए 30 अरब रुपए रखे हैं। और ये 30 अरब ये नॉन डेवलपमेंट बता रहा हूँ, ये क्या होते हैं, हम लोकल काउंसिल्स को और सारे इदारों को बिजली की जो पेमेंट्स है वो हमने, पहले हमारे बहुत ओवर पेमेंट होती थी वो बिल बनाते थे, अब हमने एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर हाउस किया और हम मीटर के ऊपर पेमेंट करते हैं, जिस वजह से ये पैसे उधर हमने रखे होते हैं। 24 अरब रुपए इरीगेशन के लिए हैं नॉन डेवलपमेंट साइड पे, कॉलेज एजुकेशन के 26 अरब, एग्रीकल्चर 17 अरब, वर्क्स एंड सर्विसेज 17 अरब, ये मेजर डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें हम दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगेन एक और एरिया, हम तकरीबन 30 अरब रुपए रख रहे हैं एमएनआर के लिए। ये भी डेवलपमेंट का ही काम होता है, जहाँ पर बिल्डिंग्स को रिपेयर करना है या इरीगेशन नेटवर्क को रिपेयर करना है, रोड्स को रिपेयर करना है, लेकिन ये नॉन डेवलपमेंट पे बुक होते हैं। ये भी 30 अरब रुपए के करीब, 30 अरब से ऊपर कुछ हमने एमएनआर के लिए रखे हैं। हमारा जो रिसोर्स एनवलप है, अच्छा इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं ये पहले भी बताता रहा हूं, 2017-18 जो पिछली टर्म का आखिरी साल था, हम अभी तक उस 2017-18 के लेवल पे नहीं पहुंच सके। और बड़ी वजह मैंने कल अपनी स्पीच में भी कहा था कि जो नाअहल हुकूमत आई हुई थी पहले 2 साल, यानी 18-19 और 19-20, आप वो नंबर्स देख लीजिएगा आपको पता भी होंगे, उन्होंने जो 2017-18 के कलेक्शंस थे उसके बराबर भी नहीं आए। पहले साल तो उसके बराबर नहीं आए, दूसरे साल 2-3 अरब रुपए बहुत ही मामूली से पैसे ज्यादा आए।
पिछला साल जो गुजरा 21 21 22 उसके अंदर उन्होंने अपने 7-8 महीने उनकी गवर्नमेंट रही, फिर दूसरी गवर्नमेंट आई, टारगेट्स पूरे किए हैं, लेकिन ये टारगेट्स पूरे करने में हमें नुकसान बहुत बर्दाश्त करना पड़ा। और मैंने कल थोड़ा सा जिक्र अपनी बजट की तकरीर में भी किया था कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है, महंगाई जो हुई है, अब हुआ क्या कि जी हमने इम्पोर्ट ड्यूटीज या टैक्स कस्टम के जो है ना वो टारगेट्स पूरे कर लिए, लेकिन आपकी इम्पोर्ट्स इतनी बढ़ गई, 70 अरब 75 अरब रुपए पता नहीं कितनी हो गई है डॉलर, तो आपने वो जब इम्पोर्ट ज्यादा करेंगे आपका डॉलर जाएगा, आप टारगेट्स तो पूरे करेंगे लेकिन उसकी वजह से इन्फ्लेशन हुई। अब जैसे ये बड़ा हमने कुछ स्टेप्स लिए भी हैं अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कम करने के लिए, फ्यूल की कीमत के फ्यूल के कंजम्पशन के हवाले से, हम ये सारी चीजें कंटिन्यू करेंगे और आगे और जरूरत पड़ी तो और सख्ती करेंगे। सख्ती का मीनिंग है कि हम कोशिश करेंगे कि वो राइड शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आए, जो अफसरान जाते हैं अपनी गाड़ियां जो सरकार से पेट्रोल लेते हैं वो अल्टरनेट डेज पे एक दिन एक गाड़ी लेके आए, दूसरा दिन दूसरा लेके आए, इस टाइप की चीजें हो सकती हैं जिससे हम अपनी बचत करें। तो ये इश्यूज थे। अगले साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम परफॉर्म कर सकेंगे, हमारी फेडरल गवर्नमेंट के साथ कदरे बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, उसकी भी मैं आपको बात बताऊंगा जब डेवलपमेंट साइड पे आऊंगा कि हमारे साथ इन्होंने पिछले 3-3.5 साल क्या किया और इस साल हम ये 2 महीने में क्या बेहतरी ला सके हैं, और इंशाल्लाह ताला आगे और जाके हम जो सिंध के साथ नाइंसाफी हुई है वो सामने रखते हुए और ज्यादा हम फेडरल गवर्नमेंट से ले सकेंगे पैसे। तो ये जो है चीजें नॉन डेवलपमेंट साइड पे मैं थोड़ा आपको बताया। ग्रांट्स का मैं आपको बता दूं कि जो मैंने बताया ना 75 अरब रुपए, इसमें NICVD SIUT हम प्राइवेट सेक्टर में इंडस हॉस्पिटल को ग्रांट देते हैं, हमने SIUT की ग्रांट इस साल बढ़ा के 10 अरब रुपए कर दी है, 2.5 अरब रुपए हम देते हैं इंडस हॉस्पिटल को, हम इंडस हॉस्पिटल की नए हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन में भी अपना शेयर डाल रहे हैं। इंडस वाले हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा कि ये ग्लोबल रिसेशन की वजह से उनकी जो डोनर्स हैं उनके हाथ भी सबके साथ प्रॉब्लम सख्त हो गए, तो हमने रीच आउट किया इसलिए कि वो एक बेहतर काम कर रहे हैं हेल्थ फैसिलिटीज देने के लिए और हमारी मदद कर रहे हैं, हम उनका भी साथ दे रहे हैं। हमने चाइल्ड लाइफ, आप उस दिन आए भी थे जो मैं उनके 1 लाख उन्होंने जब पेशेंट्स टेलीमेडिसिनिंग के थ्रू देखे थे बच्चे, तो उस को वो जाके आप देखें, वो हम काम कर रहे हैं उनके लिए भी पैसे दे रहे हैं। तो हम ये नॉन डेवलपमेंट साइड पे काफ़ी ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं। हम SRSO के साथ जो पीपल्स पावर्टी सपोर्ट प्रोग्राम है उसके अंदर भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में उनके पास फंडिंग खत्म हो गई थी, वो हम अगेन नॉन डेवलपमेंट साइड पे, लेकिन ये पैसे जाते हैं गरीबों की बेहतरी के लिए, वो हम सब कर रहे हैं। हमारे पास PSDP के लिए, हमारी ADP के लिए जो एनवलप है इस साल, जैसे मैंने आपको बताया हमारी ADP एक रिकॉर्ड ADP होगी 460 अरब रुपए के करीब की, और इसके अंदर हम जो है हमारी प्रोविंशियल ADP, डिस्ट्रिक्ट ADP, फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस और PSDP शामिल है जो फेडरल गवर्नमेंट से। सबसे पहले मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात करूंगा कि क्या हमारे साथ होता रहा है और अभी हमने क्या इन अगले पिछले 1.5-2 महीने में अचीव कर सके हैं, दो अभी भी हम खुश नहीं हैं और मैं ये कहता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को कल मैंने बजट तकरीर के दौरान तो थोड़ी बात बताई थी, लेकिन ये चीज बताना चाहता हूँ जो आप, मैं मेहरबानी करके कहूँगा, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या बर्ताव था सुबह सिंध के साथ, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में इधर है लोग तो सिंध के हैं ना, वो मैं आपको बता दूं, 3 साल 2019-20, 2020-21, 2021-22 जो पिछले 3 साल गुजरे, इन 3 सालों में रोड सेक्टर के अंदर,
रोड का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी करती है, उसके साथ साथ ये प्रोविंसेस को भी पैसे देते हैं कि उनके प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स रोड्स बनाए। पिछले 3 सालों में टोटल जो नई रोड की स्कीम्स थी, नई स्कीम्स, पुरानी जो चल रही थी उनको छोड़ दें, 1.3 trillion रुपए यानी 13,000 अरब रुपए की रोड्स की स्कीम फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी पीएसडीपी में डाली। और ये मैंने खत लिखा, इसमें एक एक स्कीम के जिक्र के साथ मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा था, मैं उसी से पढ़ रहा हूं। 13,000 अरब रुपए में, मैं अगर आपसे सवाल करूं, क्या समझते हैं कि अगर मैं कहूं कि बड़ी नाइंसाफी इनके साथ हुई है तो कितने पैसे रखे होंगे? आप कहेंगे शायद 1300 अरब रखे, 13-10% रखे होंगे। ये बड़ी नाइंसाफी होती है अगर 1300 अरब रखते, हमारा तकरीबन 25% हिस्सा बनता है, लेकिन अगर 10% रखते तो 1300 अरब रुपए रखते 13,000 अरब में से। अच्छा चले, बहुत नाइंसाफी करनी इनके हमारे साथ, ये 1% रख देते 130 अरब रख देते, तब भी आप कहते मतलब बहुत शदीद नाइंसाफी है। मेरा ख्याल है कि पूरे सिंध को सरापा एहतजाज होना चाहिए था, खास तौर पे सिंध से जो मेंबरान थे कौमी असेंबली में, जो पीटीआई के साथ थे या उनके साथ थे, वो तो उठ के कुछ और हंगामा डालते, लेकिन उन्होंने 1.5 अरब रुपए, 13,000 अरब रुपए में से 1.5 अरब रुपए 2019-20 में एक स्कीम पे रखा, एक स्कीम रखी, वो सक्कर में N5 और जो दो हाईवेज के दरमियान एक इंटरचेंज बनाना था, और वो पिछले 3 साल में शुरू भी नहीं हुआ, एक रुपया खर्च नहीं किया इन लोगों ने, 116 अरब रुपए खर्च किए इन्होंने हाईवे सेक्टर में पिछले 3 सालों में, जो इनकी रिलीज बता रहे हैं ये, और सिंध में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। अब आ जाए दूसरी, एक बड़ी सेक्टर होता है हमारा इरिगेशन का, वाटर रिसोर्सेज का, बड़े ये दो ही होते हैं, उसमें जो पिछले 3 साल में उस हुकूमत के थे 158 अरब रुपए की स्कीमें उन्होंने रखी। इधर उन्होंने कुछ मेहरबानी ज्यादा की, चलो मेहरबानी ज्यादा की, आपने कहा 158 में से 10% की बात कर रहा हूंगा मैं, 15 अरब रखे होंगे। फिर आप कहेंगे नहीं यार, ये जो अभी बात कर रहा है मुराद अली शाह, 10% नहीं 1% रखा होगा तो 1.5 अरब शायद रख दिया हो, 1.2 बिलियन यानी 1% से भी कम इन दो सेक्टर्स में इन्होंने डाले पिछले 3 सालों में। अच्छा ये भी 3 स्कीमें शुरू नहीं हुई, 3 स्कीमें इन्होंने 2020-21 में पिछले साल डाली थी, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ इन पे। पिछले 3 सालों में 19-20, 20-21, 21-22 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सिंध के अंदर एक भी नई स्कीम शुरू नहीं की। मैं दूसरे सूबों की बात नहीं करना चाहता, कभी मेरे से देखेंगे आप, बल्कि मेरे से क्यों देखते हैं यार, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं, वो पीएचडीपी की किताब वेबसाइट पे होती है, उसको निकाल के निकाल लें, पता चल जाएगा आपको, देख लेंगे आप बड़े, अगर मैं एक चीज भी गलत बोल रहा हूं आपको पता चल जाएगा। इन दोनों सेक्टर्स में एक नई स्कीम नहीं रखी, और बाकी सूबों में जैसे मैंने बताया कि 116 अरब खर्च किए इन्होंने पूरे पाकिस्तान में, 1 रुपया नहीं सिंध में, वाटर सेक्टर में तकरीबन 20 अरब, 19.3 अरब खर्च किए हैं और 1 रुपया नहीं दिया सिंध को। ये सारी चीजें जब प्राइम मिनिस्टर आए थे कराची, हमने उनके सामने पेश की, फिर मैंने उसको फॉलोअप किया एक डिटेल्ड खत के जरिए। मुझे ये खुशी हो रही है बताते हुए कि कुछ सिंधी में जाए छंडो विदोतन फेडरल गवर्नमेंट, अभी भी हम राजी नहीं है। मैंने बड़ा क्लियरली कहा है कि आपने कॉम्पनसेट करना है जो पिछले 3 साल सिंध के साथ नाइंसाफी हुई है सिंध के लोगों को, जस्ट बिकॉज पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उन्होंने चले ठीक है, ये मैं जो पर्ची आ रही ना मेरे पास वो ये था, मैं बताता हूं किस साहब को, तो इन्होंने स्कीम्स दोबारा, मसला वही हुआ कि जो मीटिंग होती है उसमें दोबारा कोई नई स्कीम नहीं थी इन दो सेक्टर्स में। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें मैं गया, उसमें मैंने जो भी बातचीत करनी थी पूरा केस अपना पेश किया,
पहले तो वो केस पेश पहले भी करता रहा हूं मैं, वो कभी कभी नाराज भी हो जाते थे, मैं अकेला आदमी जो है जो उनके साथ कर सकता था किया, इसीलिए नापसंदीदा तरीन शख्स था। इसी वजह से पिछले 3 साल से मुझे दिन गिनवाते थे ये असेंबली में जब बजट पेश करता था। आपको याद होगा कि 10 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, अभी उठे हो तुम, अभी जा रहे हो, अभी अरेस्ट हो रहे हो। फिर अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था, इसलिए कि नीयतें साफ थी, सुबह के लोगों के लिए काम कर रहे थे। तो मैंने जब शोर हंगामा डाला उधर, तो इन्होंने मेरे साथ एग्री किया। मीटिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने एहसन इकबाल साहब को खास तौर पे कहा कि जी आप चीफ मिनिस्टर साहब से मिले और सिंध के मसलों का। एहसन इकबाल साहब ने अपने मसले बताए और वो जेन्यून है कुछ, आप समझ सकते हैं। आपको एक बता दूं, इन्होंने पिछले साल 900 अरब रुपए रखे थे फेडरल पीएचडीपी में, 500 अरब से ऊपर खर्च नहीं कर सकेंगे इसलिए कि पैसे ही नहीं थे। उन्होंने कहा हमारा शदीद स्लैश हो गया है पीएचडीपी, इन्होंने इतनी स्कीमें इस किस्म की डाल दी है पीएचडीपी में जो कि फेडरल के। और मैं ये कहता रहा हूं ना कि यूसी नंबर 5 की गली नंबर 4 का गटर का ढक्कन प्राइम मिनिस्टर साहब आके चेंज करेंगे, ये वाकई। और ये था, ये स्कीमें इस तरीके की थी जो जिसके लिए मैं कहता रहा हूं उनसे कि कुछ आप देखें। वो स्कीमें इतनी उन्होंने कहा डाल दी, अब हम क्या करें। वो गटर का ढक्कन लग गया, उसके ऊपर जो लिखना है वो रह गया, अब वो तो हम नहीं छोड़ सकते ना। तो ये उनकी मजबूरी समझते हुए फिर खैर उनके साथ एग्री हुआ कि वो 3 स्कीमें वाटर सेक्टर में स्मॉल डैम्स की और 4 स्कीमें रोड सेक्टर में हमें नहीं देंगे। एक भी नहीं मिली पिछले 3 साल में, तो ये 7 स्कीमें इन सेक्टर्स में मिलना कुछ कामयाबी थी। 2 मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कुछ नहीं हूं अच्छा, लेकिन जब किताब प्रिंट हुई तो उसमें 3 स्कीमें थी वाटर सेक्टर में, फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, और रोड की 4 की बजाय 2 स्कीमें थी। मैंने शदीद एहतजाज किया, मैं पब्लिक नहीं आया उस वक्त, मैं भी आपको बता रहा हूं। मैं फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं, मैंने उनको बात की, उन्होंने कहा जो कमिटमेंट है वो पूरी करेंगे। कल तक नहीं हुई थी, उन्होंने वादा किया था बस कल हो जाएगी, कल हो जाएगी। अभी बैठा हुआ था तो मुझे उन्होंने कहा कि ही इज जस्ट सेंट अ प्रिंट फॉर द स्कीम्स, तो उनका वादा चले। मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये पूरा किया, ये 4 स्कीम्स और ये मेजर अच्छी स्कीम्स हमने दी। मैं आपको थोड़ा बता भी दूं रोड सेक्टर के अंदर के एक स्कीम है मेहरान हाईवे जो नवाबशाह से रानीपुर तक जाती है, वो हमने बनाई हुई है, 2 लेन्स उसकी बनाई, उसमें बहुत ये पैरेलल चलती है हाईवे के साथ, एक मेजर आर्टरी है, उसको ड्यूलाइज करना था वो दे रहे हैं। फिर एक स्कीम है मुंड जमड़ाव से चुनको से होते हुए सखर तक डेजर्ट से एक रोड बनाना है, बड़ी मेजर स्कीम है वो, हमें फेडरल गवर्नमेंट उसके लिए फंड करेगी। घोटकी के रोड्स की बहुत बुरी हालत है, तो रोड़ी से लेके जो पिछले नॉट ऑन द मेन हाईवे लेके उबाड़ो तक पूरा घोटकी डिस्ट्रिक्ट तकरीबन कवर करेगा, 6.5 अरब रुपए की स्कीम है, वो फंड करेगी फेडरल गवर्नमेंट उन्होंने कहा है। और 4थी स्कीम है टंडो आदम से टंडो अलायार, जो हमने रोड बनाया हुआ है 2 लेन, बड़ा अच्छा रोड है, लेकिन उस पर ट्रैफिक, रोड जब बढ़ाए ट्रैफिक इतनी बढ़ गई है कि डिमांड थी कि इसको ड्यूलाइज करें, वो ड्यूलाइज करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट देगी पैसे। 3 स्मॉल डैम्स के प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा K4 के लिए 20 अरब रुपए की एलोकेशन उन्होंने इस साल रखी है फेडरल गवर्नमेंट ने, इसलिए कि वो फेडरल गवर्नमेंट एग्जीक्यूट कर रही है। तो ये स्कीम्स जो है, जो पहले हमें कुछ नहीं मिलता था, मैंने कहा ये फेडरल गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि फिर से थोड़ा बहुत शोर हंगामा डालना पड़ा, लेकिन सिंध के लिए इससे ज़्यादा भी करना पड़ा तो करेंगे, इसलिए कि हमारे लिए पहली प्रायोरिटी अपने सिंध के लोगों की खिदमत करना है। हमें पाकिस्तान के अंदर जो ये इकोनॉमिक माइंस बिछा के चले गए हैं उनका अंदाज़ा है, इसलिए हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे, लेकिन हम अपने हकूक से कभी भी दस्तबरदार नहीं होंगे। हम जी नासीन सिंह चौधरी वसी से इत्मराद शाह पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हुआ है, उन इन तरीके से असेंबली हलन डरीदी कल पीटीआई वन असेंबली में कार्यू कटियों